आपका इंटरेस्ट अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग है, आपको अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की लेवल्स और व्यू जान लेना है, इसके साथ एक स्टॉक वाली अपॉर्चुनिटी भी जान लेनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है ताकि आप एक बढ़िया सा डिसीजन ले पाओ। मेरा नाम है मंदार जामसांडेकर और आपका स्वागत है इस यूट्यूब सेशन में। मेरे पीछे आपको निफ्टी का नियर मंथ फ्यूचर का चार्ट दिखेगा। अब आज की जो कैंडल है, इसने परसों का जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया, यानी इससे पहले जो हमने सपोर्ट्स डिस्कस किए थे वो ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन एक पॉजिटिव बात है कि जो 14,250 का हमने सपोर्ट डिस्कस किया था, तो आज लो किया 14,261 और एक बाउंस बैक हमें क्लोजिंग में देखने को मिला, यानी अभी तक 14,250 को ब्रेक किया नहीं है, यानी अभी तक तो रिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। अब कल का और नेक्स्ट वीक ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल का तो लास्ट डे है इस वीक का, प्लस नेक्स्ट वीक में सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग डेज है। मंडे को ट्रेडिंग हॉलीडे है और फ्राइडे को भी ट्रेडिंग हॉलीडे है। तो जब ऐसा ट्रंकेटेड वीक होता है, छोटा वीक होता है, तब नॉर्मली लेस काइंड ऑफ एक्टिविटी वाला ट्रेड हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए ये 14,250 पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये जो ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है 14,250 की, यहाँ पे किस तरीके से निफ्टी रिएक्ट करता है, किस तरीके से सपोर्ट लेता है या नहीं ले पाता है, इस पे आगे का व्यू हमारा डिसाइड होने वाला है। तो अब कल के लिए तो देखते हैं क्या होता है, 14,250 सपोर्ट लेता है नहीं लेता है। अगर ब्रेक कर देता है तो व्यू पूरा चेंज हो जाएगा, तो उस केस में मेरी तरफ से आपको अपडेट तो जरूर मिलेगा। लेकिन इमीडिएट तौर पे 14,250 ये कल के लिए सपोर्ट के तौर पे हमने देखना जरूरी है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 14,450 वाला है। अब आज एक्सपायरी डे था, तो इसलिए आज की जो मूवमेंट है वो छोड़ देते हैं। कल किस तरीके का एक ट्रेड डेवलप होता है उस पे आगे का डायरेक्शन बहुत सारा डिपेंडेंट होगा। मेरे पीछे आपको बैंक निफ्टी का नियर मंथ फ्यूचर का चार्ट दिखेगा। बैंक निफ्टी के केस में आपको याद होगा कि मैंने 32,900 का लेवल डिस्कस किया था। ये जो ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये 32,900 की लेवल है। अब आज बैंक निफ्टी ने एक नया लो किया, लेकिन बाउंस बैक में इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हुआ, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो 32,390 का लो किया हुआ है आज, तो 32,900 और 32,390 ये सपोर्ट के तौर पे हमने कल के लिए वॉच करना जरूरी है। ये 32,900 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से रिएक्ट होता है बैंक निफ्टी भी, किस तरीके से एक ट्रेड डेवलप होता है कल के लिए, और नेक्स्ट वीक 3 ही दिन है, उसमें क्या होता है, ये लेवल रिस्पेक्ट होती है या नहीं होती है, उसके ऊपर आगे का ट्रेड डिसाइड होगा। कल के लिए 32,900 और 32,390 ये सपोर्ट के तौर पे देखिए, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 33,590 का रेजिस्टेंस आपने वॉच करना जरूरी है। ये लेवल्स के बीच में इंट्राडे ट्रेड अवॉइड कीजिए, चौपिनेस ज्यादा होगा, यानी नीचे जाते हुए दिखेगा ऐसे लगेगा अब गिरने वाला है और सडनली बाउंस बैक आ जाएगा, या ऊपर जाएगा और लगेगा अरे बस भागने वाला है और धम करके गिर जाएगा, यानी मोस्टली एक इनडिसीजन सा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए सपोर्ट 32,900 का वॉच करना जरूरी है। अब आज आपके लिए जो स्पेशल वाला स्टॉक मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है इक्लक्स। तो अब मेरे पीछे आपको इक्लक्स का वीकली चार्ट दिखेगा। वीकली चार्ट फ्राइडे को कंप्लीट होता है, ये ध्यान में रखिए। अब इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, अब अगर ये चार्ट आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि 11 हफ्तों से ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो नीचे में जो ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने प्लॉट कर दी है, ये सपोर्ट बनती है 915 का, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 1034 और 1049 की लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है। आप देख सकते हैं कैसे ये दो लेवल्स के बीच में पिछले 11 हफ्तों से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या अब इसी रेंज में बना रहेगा? सीधी सी बात है, नहीं हो सकता है, ये कहीं तो मूव होगा ही होगा। अब साइडवेज में कब स्टॉक चलता है? जब
एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और अगर आप इसका पीछे का ट्रेंड देखो तो आपको समझ में आएगा कि अप्रैल के महीने में ये स्टॉक ने 330 के आसपास एक लो करने के बाद ये स्टॉक एक अपट्रेंड में बना हुआ है। तो अपमूव है, फिर कंसोलिडेशन है, फिर से एक अपमूव है और फिर से कंसोलिडेशन है, तो ये एक पॉजिटिव सा प्राइस फॉर्मेशन है। तो अब आपने ये स्टॉक के प्राइस ने एक डायरेक्शन डिसाइड करने की राह देखनी जरूरी है। तो ऊपर में अगर ये ब्रेक कर देता है ये रेजिस्टेंस 1034 और 1049 का रेजिस्टेंस बैंड जो है, ये ब्रेक करके अगर प्राइस ऊपर चलती है तो एक बुलिश ट्रेंड जरूर बनेगा। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक ट्रंकेटेड होने से 2 हफ्ते बाद ये हमें ब्रेकआउट जनरेट करके देगा, लेकिन ध्यान रखना तो जरूरी है, कभी भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है और जब कब बनेगी तब आपने उसे पकड़ लेना है। यह है आपके लिए इक्लक्स। आपको अगर मेरे तरफ से WhatsApp पे अपॉर्चुनिटीज के अपडेट्स नहीं आते हैं तो यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आपका इंटरेस्ट मुझे WhatsApp मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम आपके कांटेक्ट में आ जाएगी, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करा लेगी और आपको सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे तरफ से सीधी मिलती रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, किस तरीके से ये वीडियोस आपको मदद करते हैं, किस तरीके से इन वीडियोस से आपको सीखने को मिलता है, ये इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिख के भेजिए। ये भी वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे थम्स अप दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जामसांडेकर।